जय साईं जी दी, जय बाबा मुराद शाह बड़ी जी। रब एक जय साईं जी 786 एस ए ऑफिशियल चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर एक नेकरू नूं सलाम है, निक्का स्वागत है। चैनल ते पहली बारी आए तो चैनल नूं सबसक्राइब करो, तो बैल आइकन जरूर दबाओ बाबे, ताकि तुहानूं आने वाली वीडियो की जो अपडेट है वह मिलती रहे। जिन्हां दी अज गल करन जा रहे हैं जी, जिन्होंने अपनी स्टोरी लिख के भेजी है, काफ़ी वड्डी उन्होंने स्टोरी जो उन्होंने एक्सपीरियंस होया और लिख के भेजा, उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना शेयर करो, पर आप उन्होंने नाम के पिछे जो लिखा सीगा जिहड़ी आई डी तो आया उन्होंने मेक ओवर जिहड़ा सीगा नाम वह लै दें कि मेक ओवर तो आया। लिखते हैं हर हर महादेव जी, जय वाल्मीकि जी, जय साईं जी, जय बाबा अली अहमद शाह जी, जय पीरां दी, जय मस्तां दी। मेरा नाम ना शेयर करो, मैं नूर महल की रहने वाली हाँ। मेरी अपनी ये स्टोरी शेयर करन दा एक रीज़न कि मैं दसना चाहती हाँ कि विश्वास विच बहुत ताकत होंदी है। जब तुहानू उस परमात्मा ते विश्वास हो जाए तो असंभव चीज़ां भी संभव हो जांदियां ने। लोकां दा एक दा वीज़ा लगता, साढ़े तीन फैमिली मैंबर नूं दादा जी ने एक साल विच यूके भेज दिता। यह सिर्फ और सिर्फ उन्हां दी रहमत सी, साडा इस विच कुछ नहीं। कोशिश उन्होंने अपने हत्थी कारज सवारे ने। 2015 दी गल है जदों पहली बार मैं यूके लई अपलाई कीता, तो कहिंदे कि इन्हां दे डैड जिहड़े सी, इन्हां दे पिता जी वह यूके ही सी पर कच्चे सी, तो कहिंदे कि मैं विजिटर वीज़ा अपलाई कीता सी पर रिफ्यूसल आ गई सी। बहुत कोशिशां दे बाद भी किते कुछ नहीं बनिया। आखिर कहिंदे कि मैं एक छोटी कंट्री विच सैलून दे काम विच चली गई। उत्थे भी मैं कहिंदे कि 2-2.5 साल बहुत मेहनत नाल काम कीता पर बनदा कुछ नहीं सी। पर कहिंदे कि मैनू विश्वास सी बाबा जी महादेव जी ते भोलेनाथ जी ते कि मेरा जरूर किते कई बारी सोचणगे, कितने ना कितने जरूर सोचणगे कि मैं उत्थे वापस आ गई। तो कहिंदे कि इन्हां दा एक बॉयफ्रेंड सी, तो इन्होंने मैरिज करन दा सोचिया सी, पर 2020 विच जदों ये वापस आई तो उसने भी विआह तो मना कर दिता। कहिंदे कि असी 7 साल तो एक दूसरे नूं जाणदे सी, उन्हां बिना कुछ दसे यूएसए जाणा, तो कहिंदे मेरी लाइफ पूरी तरह बस ख़त्म होण वाली सी। मतलब वो यूएसए चला गया जी लड़का, तो इन्हां दी लाइफ इन्हां नूं लग्या कि ख़त्म हो जाती। वैसे किसी के जाण नाल जिंदगियां ख़त्म नहीं होंदियां, ये तो बस अपना अपना ध्यान है, मन है, बोलिया रब का की पौना, इतों पुटना तो उत्थे लाउणा जिधर मर्जी ला लो। पर ठीक है, जिदा कोई जानी विछड़ जाए दर्द हुंदा। तो कहिंदे कि लाइफ पूरी तरह बस ख़त्म होने वाली सी, कि तो लिखते हैं कि ये बहुत वधिया काम भी जानती सी पर कर नहीं पा रही सी कुछ भी। तो कहिंदे जे कितें होर विआह करा लैंदी तां हर मतलब कि घर रही सी, बैठना चाहुंदी, काम करना चाहुंदी सी कुड़ी। हर रस्ता कहिंदे बंद नज़र आ रहा सी, कोई साथ देण वाला भी नहीं सी, सब खत्म नज़र आ रहा सी। तो कहिंदे मैं एक दिन एक अपनी दोस्त नाल दाता अली अहमद सरकार जी दे दरबार ते मंडाली शरीफ गई। तो कहिंदे असी बस उदा ही चले गए, कोई प्लैन नहीं सी। तो कहिंदे मैं दरबार भी नहीं सी देखिया, ना ही दाता अली अहमद सरकार जी बारे कोई नॉलेज सी, ते ना ही सानू कुछ पता सी। ते असी कहिंदे गए ते मत्था टेक के आ गए। तो कहिंदे मैं दाता जी दी तस्वीर भी नहीं देखी सी, ना ही उदों गौर नाल वेखी। घर आ के दिमाग विच एक ख्याल आया कि काश मेरा भी कोई गुरु हुंदा,
मेरा भी कोई मुरशद होंदा। मेरी आदत आ कहिंदे कि मैं हर गल भोलेनाथ जी नाल करदी हाँ, महादेव जी नाल करदी हाँ कि अज इदा होया अज उदा होया। ईवन जदों कहिंदे कि मैं दरबार भी गई तो यह विश सी कि मैं कभी अपने महादेव तो अलग ना होवां। भोलेनाथ नाल प्यार सी जी इन्हां दा। खैर कहिंदे मैनू थोड़े दिनों बाद ही सुपना आया दाता अली अहमद शाह कादरी सरकार जी का। वह कहिंदे कि दाता अली अहमद जी इन्हां दे सुपने विच आए ते कहिंदे दस तैनू की चाहीदा। मैं कहा जी मैनू कुछ नहीं चाहीदा। कहिंदे मंग ला की चाहीदा। मैं कहा जी मैं सदा अपने शिव दी दास रहा, शिव जी महाराज दी दास रहा, मैं सदा उन्हां नाल रहा। ते दाता जी कहिंदे जा अज तो असी तेरे नाल। जद अख खुली तां मैं सोची पै गई कि ये की हो गया, ये किवें होणगे। तां कहिंदे मैं इदां दस्या किसे नूं कि मैनूं रात नूं बाबा जी दे दर्शन दित्ते, दाता अली अहमद सरकार ने दर्शन दित्ते। तो इन्हां ने जिद्दां उह सपना देखिया कि वह एक बैड दे उत्ते सरकार लेटे हुए आ मंजे दे उत्ते, पतला जिहा उन्हां दा शरीर सी ते फराटा पक्खा लग्या होया सी। और वाकई जी दाता अली अहमद सरकार जी की कई इदा ही तस्वीर जिच इदा लेटे आ उपर देख रहे, तो पक्खा लग्या उन्हां। तो फिर उन्होंने जिन्होंने इन्होंने गल की उन्होंने कहिंदे मैनूं दस्या कि ये साबर दाता अली अहमद शाह जी सन, मतलब इन्हों नहीं पता सी। तो कहिंदे मैं अपने महादेव जी तो गुरु मंगे सी ते उन्हां दाता जी नूं मेरी झोली पाता। सॉरी जे मैं कुछ भी गलत तरीके नाल लिख रही होवां, पर ये मेरे शिवजी महाराज जी की बहुत वड्डी देण सी। दाता जी बिकेम पार्ट ऑफ माई लाइफ। कहिंदे कि मैं उदों तां कुछ नहीं सी मंगिया, पर कहिंदे आ ना कि बिना मंगे ही वह झोली भर देंदे ने। फिर मैनू सपने विच दोबारा आए, उन्होंने तीन पासपोर्ट मेरी झोली पाए। एक्चुअली असी चार सिस्टर हाँ, कहिंदे चार भैणां ने जीए, ते कहिंदे मैं सब तो वड्डी हाँ। दाता जी की मेहर नाल इन्हां दीआं छोटीआं भैणां दे वीजे लग गए, ते कहिंदे असी उन्हां दी वी बहुत टाइम तो ट्राई करदे सीगे। 2022 विच ही वह एक सितंबर विच ते एक दिसंबर विच यूके चलियां गईआं। ते कहिंदे कि मैं अजे इंडिया सी। मैं सोचदी सी दाता जी ने कह तां दित्ता, पर मेरा वीज़ा लगवाया ही नहीं, कोई चांस नहीं सी मेरे स्टडी वीज़ा दे। 10 साल का गैप सी वर्क बारे। कहिंदे कि मैं सोचा नहीं सी, विजिटर मैं लगाना नहीं सी चाहुंदी। पता नहीं दाता जी ने कैसी खेड रचाई ते इनू वर्क वीज़ा पता लगा कि कहिंदे सानू वर्क वीज़ा पता लगा कि इन्हां दी सिस्टर दे थ्रू। फिर भी उन्हें मेरी बहुत प्रीख्या ली। कहिंदे दरबार जाण तो पहला मैं एक पंडित तो भी गई, उन्होंने कह के ही तेरा बाहर का काम कदे नहीं बन सकता, तू मंदिर जाना छड़ दे, पूजा तेरे लिए सही नहीं है। तो कहिंदे मैं कहा कि वीज़ा लगे ना लगे मैं मंदिर नहीं चढ़ सकती। फिर वीज़ा प्रोसैस बहुत रुकावट आईया। तो कहिंदे मेरी मैडिकल रिपोर्ट गलत आई, 2 मंथ वेट तो बाद रिपोर्ट का रिजल्ट सही आया। तो इन्हां दी PCC नहीं सी आ रही, होर भी बहुत कुछ, पर कहिंदे मैं विश्वास नहीं छड्डिया। अगे लिखते हैं कि मैं एक गल कह दिती दाता जी दा, जां तां रोल दे कह दिती दाता जी नूं कि जां तां रोल दो या फिर तार दो, पर कहिंदे कि मैं तेरे दरबार तो इलावा होर किते नहीं जाना, ना मंगना है। तुसी यकीन मन्नो ये सारा 1 ईयर लग गया, 1 साल लग गया जी। कहिंदे कि मैनू एक दिन साईं लाडी शाह जी भी आ के दर्शन दे के गए। कहिंदे बस तुरी जा हुण मुड़ी ना, इस राह विच
ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ 2023। ਹੁਣ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ UK ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 8 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਬਾਦਤ ਸੀ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਨਾ ਕਰਮ ਉਹ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜੈ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਆ, UK ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਵਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਵਾਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਹੂੰ, ਨਾ ਮਾਨੋ ਤੋਂ ਬਹਿਤਾ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟਲ ਸੀ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਮਹਾਦੇਵ ਡਮਰੂਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਕਰਮ, ਅਤੇ ਫੱਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਰੋਲੇ ਬੜੇ ਆ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਧ ਵੀ ਉਸਦਾ, ਚੋਰ ਵੀ ਉਸਦਾ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਉਸਦੀ, ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਉਸਦਾ, ਮਿਰਗ ਵੀ ਉਸਦੀ, ਮੋਰ ਵੀ ਉਸਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਗੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਬਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ।